फ़ोन जो पुराने मॉडल है ना सारे, जैसे आईफोन एक्स है, एक्स आर है, एक्स एस, एक्स एस मैक्स वगैरह को आप 13 प्रो में, 12 प्रो में, 13 में आप कन्वर्ट कर दें। एक्स आर अगर आपके पास है उसको 13 में आप कन्वर्ट कराना चाहें तो वो हो जाएगा। ये एक्स एस मैक्स जो है ना आपका 13 प्रो मैक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। गोल्डन कलर है, ठीक है और ग्रे कलर है, सारे कलर हैं। चलो ब्रो से कन्वर्ट करेंगे। ये जो है ना आजकल नई हाउसिंग आई हुई है तो अच्छा लुक दे रहा है। आईफोन कन्वर्ट हो गए, फोन कुछ चल रही है, फ्लैश लाइट वगैरह जो है ना ये बिल्कुल एग्जैक्ट जगह पे। अस्सलाम वालेकुम निशान भाई, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह, क्या बता रहे हैं आप? मैं ये एक नई चीज़ आजकल मार्केट में चल रही है कि आईफोन जो पुराने मॉडल है ना सारे, जैसे आईफोन एक्स है, एक्स आर है, एक्स एस, एक्स एस मैक्स वगैरह को आप 13 प्रो में, 12 प्रो में, 13 में आप कन्वर्ट कर दें। अच्छा जी, ये आजकल मार्केट में चल रहा है तो काफ़ी लोग जो है ना ये पसंद कर रहे हैं। तो जैसे आपका अगर कोई पुराना मॉडल है आईफोन एक्स है, आप 13 प्रो नहीं लेना, मतलब आजकल फोन इतने महंगे हो गए। यानी कि बंदा कहता है यार पीछे 3 कैमरे, बड़े बड़े बस कैमरे हाँ, नजर आए, आजकल ये फोन पुराना हो। हाँ तो ये आजकल हाउसिंग है तो ये कन्वर्ट हो जाती है पूरा। हम आपको आगे दिखाएंगे भी कि कैसे कन्वर्ट हो रही बिल्कुल है, क्या हो रहा है ना। तो ये आईफोन एक्स है, एक्स आर है, एक्स एस है, एक्स एस मैक्स, वीडियो में कन्वर्ट करके भी दिखाएंगे हम हाँ हम आपको आपको व्यूअर्स। दिखाएंगे, हम ठीक आपको है, दिखाएंगे एक फ़ोन आपको हम दिखाएंगे कन्वर्ट करके। तो चलो ब्रो से कन्वर्ट करेंगे। ये जो है ना आजकल नई हाउसिंग आई हुई है तो बहुत अच्छा लुक दे रहा है। आईफोन का न्यू लुक आ रहा है 13 प्रो का, एक्स को 13 प्रो बना है ठीक है जी। हाँ ये ये एक्स है, एक्स को हम बना रहे हैं 13 प्रो अच्छा जी। ये और ये 13 प्रो है जी, ये 13 प्रो की आओगे तो सही है। ब्लू कलर तो और भी बहुत सारे कलर हैं, जो कलर आप लगवाना चाहें, फ्लैश लाइट की रिबन वगैरह सब जो है ना प्रॉपर काम होता है, कोई ऐसा वो जो है ना जुगाड़ वाला ठीक काम है। नहीं। यानी कि पुराना आपका आईफोन एक्स हो गया लेटेस्ट 13 प्रो जी, 13 हाउसिंग पूरी वैसी हो गई। एक्स आर को भी बना सकते हैं, एक्स आर, एक्स एस मैक्स, 11 वगैरह सबको जदीद मॉडल से कर सकते हैं कन्वर्ट जी। ठीक है, जो आप जो आपका वो होगा तो कन्वर्ट हो गए फोन जबरदस्त जी। तो अभी इसको हम ऑन करने लगे हैं तो दिखा दे थोड़ा। मैंने यानी एक्स को आपने 13 प्रो पे कन्वर्ट कर दिया, 13 प्रो पे कन्वर्ट कर दिया। ये देखें गाइस, लोगो आ गया, फोन ऑन हो गया है। और ये आपको दिखाने का मकसद ही यही था कि ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। क्या दिखाइए, जरा बैग भी दिखाइएगा रहमान भाई। ये देखें गाइस, आईफोन एक्स 13 प्रो पे कन्वर्ट हो चुका है और आपके सामने है, फोन ऑन भी है। बताए रहमान भाई जरा कुछ, सारे फीचर सब चल रहे हैं, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ चल रही है, फ्लैश लाइट वगैरह जो है ना ये बिल्कुल एग्जैक्ट जगह पे आ रही है जो जगह होती है इसकी 13 प्रो की। अबाउट पे जरा मॉडल भी दिखाते हैं जरा, मैं दिखा देता हूँ कि भाई ये आईफोन एक्स ही है ना, ये आईफोन एक्स ही है मॉडल। चीज़ हम आपसे जब लेंगे तो चेक करके लेंगे और आपको हम चेक करा के देंगे, ठीक है? क्योंकि ये फिर काफ़ी लोग बोलते हैं कि यार इसमें कोई मसला तो नहीं आएगा, फ्लैश लाइट काम वर्क करेगी नहीं करेगी, तो ये है कि सब चीज़ें वर्क करेंगी। और कैमरा मैं आपको बताऊं कि कैमरा आपको जो ओरिजिनल फ़ोन को होगा वही वर्क करेगा। सही है, जैसे अगर आपका एक्स आर है ना तो आपका एक्स आर के एक कैमरे वर्क करेगा। फिर लोग बोलते हैं कि यार इसमें तीन कैमरे, ऐसा नहीं है, तो ये भी काफ़ी होता है। तो जहरी बात है तो जो आप हाँ, खाली बॉडी चेंज रहेगा, बोर्ड वही रहेगा, हाउसिंग चेंज हो जाएगी, लुक अच्छा आएगा जी जी जी। और यानी कि जो आपका आईफोन एक्स है, अच्छा बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि यार मेरा पुराना फोन है उसमें कोई खराबी तो नहीं होगी, यानी कि ये हाउसिंग चेंज करना नहीं है नहीं कोई, हम चेक करके लेते हैं, चेक करके देते हैं। अगर हमसे अगर कोई चीज खराब होती तो हम वो लगा के देते वैसे हैं। होती नहीं है खराब, होता नहीं है वैसे ऐसा, लेकिन लोग दरअसल तो ये बताएं क्या प्राइसेस हैं हाउसिंग के? ये हम आपको अलग अलग प्राइस होते हैं। आईफोन एक्स से हम स्टार्ट करेंगे, 14-15 हज़ार रुपये जो है ना इसके स्टार्टिंग प्राइस है। जैसे आईफोन एक्स से अगर इसके नॉर्मल कोई भी कलर आप लोगे तो 14 हज़ार रुपये, अगर सेरा ब्लू कलर लोगे या ग्रीन कलर लोगे तो वो आपको 15 से 15.5 हज़ार, 16 हज़ार रुपये में मिलेगा। आईफोन एक्स को 13 प्रो पे कन्वर्ट कराएंगे तो 14 से 15 हज़ार, हाँ 14 से 15 हज़ार रुपये लगेंगे। जैसे फिर उसके ऊपर अपडेट मॉडल है जैसे एक्स एस वगैरह, वो 16 हज़ार रुपये, एक्स एस मैक्स 17-18 हज़ार रुपये। यानी एक्स एस मैक्स होगा और इस पर कन्वर्ट कराना चाहेंगे। अच्छा हमें और भी नजर आ रहे हैं आईफोन 13 की भी, ये 13 है, ये आईफोन एक्स 2 13 है, ये आईफोन एक्स अगर एक्स आर अगर आपके पास है उसको 13 में आप कन्वर्ट कराना चाहें तो वो हो जाएगा। अच्छा यानी कि ये स्पेशली XR की हाउसिंग है जी, ठीक है ना? ये बिल्कुल और ये 13 पे हो जाएगी, 13 वाला साइज है बिल्कुल सेम। अच्छा और बताएं और कौन सी हाउसिंग है? भाई हमारे पास 12 प्रो मैक्स वगैरह है, 12 प्रो है जो है ना ये, और 13 प्रो मैक्स वगैरह। और ये किस पे कन्वर्ट होगा? ये XR पे होगा, ये भी XR पे होगा, ये भी XR पे होगा जी। और ये मैं आपको एक्स की दिखा देता हूँ, ये एक्स की है, ये एक्स की है, एक्स वगैरह, एक्स एस वगैरह, ये इसमें ब्लू कलर, ये एक्स एस मैक्स की है, ये एक्स एस मैक्स जो है ना आपका 13 प्रो मैक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा कलर आपको सारे मिल जाएंगे इसमें, गोल्डन कलर है ठीक है, और ग्रे कलर है, सारे कलर हैं।
कलर मिल जाते हैं, ग्रीन कलर भी मिल जाएगा, सेरा ब्लू मिल जाएगा, सब मिल जाएंगे। ठीक है। अच्छा निशान भाई ये बताएं कि आउट ऑफ सिटी अगर कोई अपना काम कराना चाहे हाउसिंग करवाते हैं लोग, हाँ अगर आप अपना टीसीएस करवा दें, आपको हाउसिंग चाहिए हम आपको टीसीएस लगवा देंगे, ऐसा भी कर सकते हैं। अच्छा पहले भी आपकी जो वीडियो आई थी उसमें बहुत सारे लोगों का ये सवाल था कि हमारे आईफोन में कोई मसला आ रहा है, एलसीडी क्रैक हो गई, हाउसिंग खराब हो गई, कोई हैंगिंग का है, कैमरे का इशू है, वो सारी चीजें आप थ्रू प्रॉपर मशीनरी के करते हैं? ये गिलास वगैरह की तो देखो मशीन के बगैर मतलब हम करते ही नहीं है, मशीन का काम होता है गिलास वगैरह का, तो वो हम आपको पहले वीडियो में भी दिखाया था आपको गिलास वगैरह का। सर बहुत सारे लोग ऐसा होता है कि नॉर्मल मार्केट्स में चले जाते हैं जो दूसरी मार्केट, उधर मशीनें होती नहीं है प्रॉपर टेक्नीशियन के बगैर, उनकी रिक्वायरमेंट होती है, हमें भाई प्रॉपर बंदा चाहिए जो मशीन के थ्रू काम करे। मशीनें तो तकरीबन अभी आई गई हैं काफी लोगों के पास, लेकिन काम करने वाला भी होना चाहिए क्योंकि अभी क्या कर सकते हैं आप बताएं अभी। सही है सही है। अच्छा जैसे ये मशीन है किस चीज की मशीन है जरा बताइए? ये तो गिलास रिपेयरिंग की मशीन है ना ये? हाँ गिलास, जैसे अगर आपका फ्रंट का गिलास वगैरह या टच वगैरह खराब होता है तो वो रिपेयर करते हैं। ठीक है। ये गिलास और प्रॉपर पेस्टिंग की भी अलग मशीन है, सब चीजों की, सब चीजों की अलग मशीन होती है जी। ठीक है। अच्छा ये बताएं क्या प्रोसेस है आपके, अगर सपोज कोई पंजाब साइड से अपना फोन भेज के आईफोन 13 प्रो पे कन्वर्ट कराना चाह रहे हैं तो पेमेंट क्या प्रोसेस है, फोन कैसे भेजेगा वो? फोन वो भेज दें, हाफ पेमेंट करा दे वो, बाकी वो जो फोन उसके बाद ओके करेंगे, उसको लगवाएंगे टीसीएस, उसके बाद बाकी बल्ले मसला नहीं, हाफ पेमेंट बाद में करा दें, हाफ पेमेंट पहले करा दें। और लोग करवाते भी हैं, अगर हाउसिंग चाहिए आपको हाउसिंग भी मिल जाएगी, हम टीसीएस करवा देंगे। तो आप डायरेक्ट टीसीएस? हाँ अगर कोई बोले कि मैं खुद फिट करवा दूंगा अपने टेक्नीशियन वगैरह से तो वो भी हो जाएगा, ऐसा भी होता है, वो भी आसानी होती है। हाँ। ये बताएं कि हाउसिंग उमूमन कितने की है, यानी कि बगैर कन्वर्ट किए बगैर? 2000 रुपए कन्वर्ट के फिटिंग के होते हैं, अगर आप कन्वर्ट नहीं करवा रहे तो 2000 रुपए जो मैं आपको। हाउसिंग कितने की है? 13 प्रो की 13000 रुपए की मिल जाएगी। और 12 प्रो मैक्स की? ये एक ही रेट है, सबके एक रेट है, अगर एक्स के आप भले 12 प्रो में करवाएं या 13 प्रो में करवाएं, एक ही 15-15.5-16 हजार रुपए 16 हजार रुपए रेट होते हैं, कलर के हिसाब से होता है। ठीक है। अगर फिटिंग नहीं करवाएंगे तो 2000 रुपए लेस हो जाएंगे फिटिंग के। सही है। और इसके अलावा अगर चाइना वगैरह को, जैसे ओप्पो वीवो वगैरह की कोई एलसीडी वगैरह या जैक वगैरह काफी सारे मसले वो भी हम करते हैं, सैमसंग वगैरह का, सैमसंग के करते हैं? हाँ सैमसंग का भी करते हैं। कोई भी इशू आए, हैंगिंग इशू आए, कोई कैमरे का, सैमसंग वीवो ओप्पो वगैरह का मैं अलग नंबर दूंगा, अगर किसी को ये काम करवाना है तो मैं उस अलग नंबर दूंगा। अहमद भाई का सैमसंग और वीवो या ओप्पो एंड्रॉइड फोन्स का है तो उसको आपको दूसरे नंबर पर रब्ता करना पड़ेगा, वो वीडियो पे सेकंड नंबर शो होगा उस पे, और जो फर्स्ट है वो निशान भाई का नंबर है, आईफोन के अलावा हाउसिंग और आईफोन की ईच एंड एवरीथिंग, आईफोन फॉर आईफोन रिपेयरिंग एंड सर्विसेज, वो पहला वाला नंबर निशान भाई का है। निशान भाई आपके स्टार सिटी मॉल पे किधर है शॉप? मैं स्टार सिटी अपर बेसमेंट पे UB1 नंबर शॉप है मोबी क्विक के नाम से, पहले मैं नीचे था, आपने पहले वीडियो में मेरी नीचे वाली शॉप थी ना, LB93, अभी UB1 पे मैं शिफ्ट हो गया ऊपर अपर बेसमेंट में शॉप। सही है। और आपका मोबाइल नंबर क्या है? मोबाइल नंबर मेरा 03102805564, वही पुराना वाला नंबर है मेरा। ठीक है। और कुछ बोलना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? बेसुकून होके अपना जो है सुकून से फोन भेजें अपना इंशाल्लाह। हाँ कोई मसला नहीं है अगर कोई। और कितने दिनों वापस भेज दीजिएगा? हमारा काम तो हम 1-2 दिन में कर देते हैं, बाकी टीसीएस में टाइम लग जाता है, अगर एक आधा दिन लग जाए या 2 दिन लग जाते हैं। हाँ वर्किंग डेज होते हैं ना उसमें हो जाता है, बाकी अगर कोई बीच में छुट्टी वुट्टी का दिन होता है तो उसमें टाइम लगता है। रिक्वायरमेंट कर रहे थे कि यार हमारे जो रिपेयरिंग वाले बंदे लाए और आईफोन की हाउसिंग वगैरह चेंज कराने के लिए बंदा लाए, तो निशान भी एक बार पहले भी आए थे और इंशाल्लाह अब कंटिन्यूटी से रहेंगे, आपके फोन में जो भी इशू आ रहा है आईफोन से रिलेटेड निशान भाई से रब्ता करें, और एंड्रॉइड से रिलेटेड अगर सैमसंग ओप्पो वीवो कोई भी इशू आ रहा है तो वो दूसरा नंबर मेंशन होगा अहमद भाई का आप उस पर रब्ता करें। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो कमेंट सेक्शन में पूछ लेगा या तो निशान भाई का व्हाट्सएप नंबर है पूछ लेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर